हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष सचिन पायलट का कहना है कि राजस्थान में कांग्रेस और भाजपा के बीच ही सीधा मुकाबला होगा, यहां तीसरे मोर्चे या गठबंधन का कोई सवाल ही नहीं है। वे बुधवार को यहां जोधपुर में पत्रकारों से रूबरू थे। दूर दूर तक सफल हो पाएगी, पूरे पौने पांच साल सरकार फेलियर रही है। सुंदरा जी ने इतना एक बहुत बेहतर माहौल के पास था, बहुत प्रचंड बहुमत उनको मिला था, लेकिन हर तरफ से निराशा हाथ लगी है। नौजवान किसान सब परेशान है और अब अंत में जाके जब चंद महीने बचे हैं, अब जाके बड़ी बड़ी परियोजनाओं की घोषणा करने की बात करते हैं, सपने दिखाने की बात करते हैं, लेकिन पौने पांच साल हर वर्ग को निराश करने का काम किया। मुझे पूरा विश्वास है कि आज जो कांग्रेस में उत्साह है, लोगों की उम्मीद हमसे बनी हुई है, उसको लेकर हम लोग आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर एक बहुत भारी बहुमत के साथ सरकार काम करेगी। सर, किसानों को जो एक दिया जा रहा है मुआवजा भी दिया जा रहा है या उनके जो छूट दी जा रही है, तो ये कहाँ तक काम? 150 किसान आत्महत्या कर चुके हैं। जब चुनाव सर पर है तब जाकर यहाँ MSP बढ़ाने की बात की, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ प्रदेश की सरकार से, जो MSP की घोषणा होती है उस पर प्रोक्योरमेंट कितना होता है? मंडियों पे सरकारी एजेंसी माल नहीं खरीद रही है, बिचौली और काला बाजारी करने वाले हावी रहते हैं। इसलिए किसान को मदद करने की अगर इनके मन में मंशा थी तो 4 साल पहले दाम बढ़ाते, बोनस देते, सिंचाई के साधन उपलब्ध कराते। और आज भी जो लोन माफी की बात कर रहे हैं, 6,000 करोड़ रुपए का कर्जा ले रही है सरकार और फिर लोन माफी कर रही है, और वो जानती है मुख्यमंत्री जी की ये घोषणा मैं करके जा रही हूँ, लेकिन आने वाली सरकार इस लोन को चुकाएगी। तो सारा यहाँ किसानों के प्रति उनकी अगर संवेदना होती तो एक कदम बहुत पहले उठा लिया होता, लेकिन उस तरफ वोट की राजनीति कर रहे हैं, चुनाव सर पर है, इसलिए इस प्रकार की घोषणा। जोधपुर से जागरूक TV की रिपोर्ट।